सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, तो सब आपकी रिक्वेस्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक वीडियो जो सब आपने रिक्वेस्ट करी थी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताया था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो कौन से स्टॉक्स को फायदा होता है। तो हे गाइस, मैं शिवांश भसी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पे। तो शुरुआत करते हैं। करें कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यानी कच्चा तेल गिरना शुरू होता है तो क्या होगा। अगर गिरना शुरू होता है तो हमारी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी की, वो कंट्रोल में आ जाएगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है उसको सपोर्ट मिलेगा। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, पर अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अनडिसेबल होने लग जाती है, अनस्टेबल होने लग जाती है। तो अब कौन से स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए अगर हम मार्केट में निवेश करते हैं या इंट्राडे करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होते हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो गया है, 74 डॉलर पर बैरल तक जा चुका है, और कितनी ऊपर जा सकता है हमें लग रहा है कि 80 तक जरूर जा सकता है, क्योंकि जो एक आईपीओ आना है सऊदी अरेबिया का, उसके चक्कर में हमें लग रहा है कि 80 डॉलर पर बैरल तक जा सकता है क्रूड ऑयल। तो अभी तेजी बरकरार है, तो कौन से स्टॉक्स हमें चुनने चाहिए जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जब तक तेजी होती है या तब तक गिरावट होती है तब तक के लिए बाय करने की ही सलाह दूंगा मैं आपको। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपको मैं कि ये जो भी स्टॉक्स या सेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक अपने एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह तभी मिली जाएगी अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। तो बढ़ते हैं कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। सेक्टर कौन से हो सकते हैं? ऑफशोर कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज और ड्रिलिंग पाइप्स कंपनीज। ये ऐसी तीन कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इन तीन सेक्टर के हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी तीन सेक्टर के अंदर कंपनीज आती है। HOEC, डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर, ONGC, ऑयल इंडिया, ऑयल कंट्री, जिंदाल ड्रिलिंग एंड जिंदाल स्टॉक। ये ऐसी 8 कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज तो बहुत है पर मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए हैं, तो आप इन सेक्टर्स के बेसिस में स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं। पर जो ज्यादा वॉलेटाइल, जो मार्केट को ज्यादा ऊपर लेकर जाते हैं अगर इंट्राडे में, या हम कह सके कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो वो ये स्टॉक्स हैं। और मैं आपको अपनी वीडियो में ज्यादातर ये स्टॉक सजेस्ट करते भी रहता हूँ और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होते भी रहता है। तो अगर हम देखें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो कौन सी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, तो ये सेक्टर्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टायर कंपनीज, पेंट कंपनी, एविएशन कंपनी और पैकेजिंग सेक्टर। सॉरी, कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ पर ये सेक्टर्स हैं, टायर सेक्टर्स, पेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर्स, पैकेजिंग सेक्टर, और भी अगर हम सेक्टर्स जोड़े तो ऑटो सेक्टर, कॉस्मेटिक के सेक्टर्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो HPCL, BPCL ये कंपनीज है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जिन्हें फायदा हो सकता है। टायर कंपनीज की बात करें तो 1/3 रॉ मटेरियल जो टायर कंपनीज यूज करती है वो क्रूड ऑयल का यूज करती है। तो अपोलो टायर, सीएट, इन कंपनीज को फायदा हो सकता है। पेंट कंपनीज की बात करें तो उनका 50% रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, तो वो भी हमें फायदा दे सकती है। एशियन पेंट्स है जो सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है मार्केट को। एविएशन सेक्टर की बात करें, जो टर्बाइन फ्यूल होता है उसमें भी क्रूड ऑयल डलता है, तो इंडिको, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। पैकेजिंग सेक्टर की बात करें तो पैकेजिंग सेक्टर में भी रॉ मटेरियल, जो पैकेजिंग करने में रॉ मटेरियल यूज होता है, तो 30% रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल का यूज होता है। अगर हम कहें तो हमें दिखता नहीं है कि क्रूड ऑयल जला है, पर मिक्सचर से बनता है, तो आप सब समझ ही गए होंगे। और जो पैकेजिंग सेक्टर में, जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना चाहो या शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो उफ्लेक्स बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है।
आने वाले टाइम में मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये कुछ ऐसी 7 कंपनीज है, और अगर आपको और कंपनीज के बारे में जानना है तो मैंने आपको सेक्टर्स बता दिया, मनी कंट्रोल में जाके उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, और भी आप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने की जगह बना सकते हैं जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो ये कुछ कंपनीज, ये कुछ सेक्टर थे जो मैंने आपको बताए थे आपकी रिक्वेस्ट पे। तो मैं, अगर आपको और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट चाहिए होगी तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे, और मेरे चैनल के साथ अपडेट रहते रहेंगे, शेयर मार्केट के साथ अपडेट रहते रहेंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स देखते हैं अगर उन्हें वीडियो पसंद भी आती है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।